कल रात को करनाल में एक और बाइक चोरी का मामला सामने आता है। इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे हैं कि दो बाइक सवार आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे और एक व्यक्ति आप देख सकते हैं बाइक को साइड पर आपको लगाता हुआ दिखेगा। और इतनी भी जानकारी मिली है कि पहले भी ये बाइक चोरी की लेकर आते हैं और उसके बाद एक नहीं दो चोरियां की जाती हैं। एक यहाँ हांसी रोड पर आप देख सकते हैं व्यक्ति जो है बाइक लगाकर जो है बाइक लगाता हुआ दिख रहा है और उसके बाद वो दूसरी साइड पर जाएगा और एक डिलक्स बाइक को चोरी कर लिया जाता है। लगातार ऐसे मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक व्यक्ति जो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में गया होता है और वो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई करके बाहर निकलता है वो क्या देखता है कि उसकी बाइक उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। आप देख सकते हैं अभी दिखाया जाएगा कि कैसे वो बाइक, ये देखिए ये जो है बाइक खड़ी हुई है इस लाइब्रेरी के बाहर और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से उस बाइक को वो यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं। पहले आप देखते हैं अलग अलग चाबियाँ जो है लगाई जाती है, उसकी तरफ से प्रयास किया जाता है कि एक अटेम्प्ट में उससे चाबी नहीं लगती है, फिर वो अलग अलग चाबियों का इस्तेमाल करता है और कितनी आसानी से इस बाइक को स्टार्ट करके यहाँ से फरार हो जाता है। बाइक चोरी के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से काफ़ी, ये देखिए चलाकर जो है किस तरीके से वहाँ से फरार होता हुआ दिख रहा है। हांसी रोड का ये मामला है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यहाँ से फरार होगा। मैं जगह दिखाती हूँ तो यही वो जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी आपको बाइक गाड़ी, हालांकि अभी दिन का वक्त है लेकिन रात को इसी जगह पर ये बाइक खड़ी होती है, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं और जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी बाइक वहां पर खड़ी नहीं है। तो सर हमारे साथ यहां पर मौजूद है जिनकी बाइक चोरी है, उनसे बातचीत करते हैं। सर किस वक्त की ये वाकया है, क्या कुछ हुआ था? रात के 11:30 बजे की, 11:28 की वाकया है। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और मैं आता हूँ 12:40 में नीचे, और नीचे देखता हूँ कि बाइक, मेरी बाइक गायब मिलती है। अच्छा जी, फिर आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई? मैंने रात को 112 पे डायल किया और गाड़ी आई, उन्होंने वो मेरे को पुलिस चौकी पे ले गए, उन्होंने वीटी भी किया, अनाउंसमेंट भी की उन्होंने, फिर उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी दर्ज कर ली। वैसे तो कौन सी बाइक थी सर आपकी? ये डिलक्स बाइक थी, डिलक्स बाइक HR20AE 4209 नंबर था ये। तो रोजाना आप यहीं पर आते हो पढ़ाई? हाँ, मैं अक्सर आता हूँ शाम को, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं पढ़ने के लिए। कोई ऐसा मामला देखने को मिला है कभी, ऐसा हुआ है किसी और की बाइक चोरी हो यहाँ से? नहीं, पहले तो नहीं, लेकिन कल 3 बाइक बता रहे हैं वो चौकी वालों ने बताया कि 3 कंप्लेंट आई, 3 इसी रोड पे 3 बाइक चोरी हुई है। क्या जानकारी मिली कुछ ऐसे, क्या पहले भी कुछ चोरी करके आए, पीछे से भी चोरी करके आए? मतलब 11 से 12 के बीच में 3 बाइक चोरी हुई है। सुबह हमें एक लड़का मिला जिनकी बाइक यहाँ खड़ी करी उन्होंने, वो प्रेम प्लाजा से उन्होंने उठाई थी और वो लड़के ने बताया कि उसके बाद ये बाइक चोरी हुई, उसके बाद आगे हांसी चौक क्रॉस करने के बाद रमेश नंबर की तरफ, शिवपुरी की तरफ उन्होंने एक बाइक और चोरी की। हाँ, 11 से 12 के बीच में उन्होंने 3 बाइक चोरी की कल। तो हालांकि और भी लोग होंगे सर पढ़ाई करने, तो आते ही होंगे यहाँ पर? आते हैं मैम, 11:30-11 बजे निकल जाते हैं। मैं थोड़ा लेट, मेरा थोड़ा पढ़ने का मूड बन गया तो मैं पढ़ता रहा। किस वक्त थे? मैं आया था 9:30 के आसपास, 9:30 बजे आए हैं और 12:30 आप निकले हैं। 12:30 बाइक चोरी किस वक्त हुई है? वो 11 सीसीटीवी कैमरे में जो दिखा रहा है 11:28 पे उन्होंने बाइक उठाई है। तो यही वो जगह थी, सामने वो दो लोग रुकते हैं जब बाइक पर, ये जो ग्लोब हॉस्पिटल के आगे बाइक खड़ी करते हैं वो दोनों, एक बाइक लेके चला जाता है, एक खड़ी कर देता है, वो चोरी वाली बाइक होती है वो, उससे उतर के एक चोरी की बाइक खड़ी कर देते हैं और उसके बाद फिर आपकी बाइक चोरी कर उठा के ले जाते हैं वो, और फिर आगे एक और चोरी करते हैं। फिर आगे एक चोरी, उन्होंने बताया किसी ने कि चौकी वालों ने बताया कि 3 कंप्लेंट आई है तो आगे भी एक चोरी हुई बाइक। तो कार्रवाई की जा रही है सर पुलिस की? हाँ, मैंने कंप्लेंट कर दी है, पुलिस ने कंप्लेंट वैसे दर्ज कर ली है, अभी कार्रवाई तो देखो होनी है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं अपील करना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी, क्योंकि पुलिस का तो सब पता होता है कहाँ चोर चौकों का, सबका पता होता है पुलिस को, तो कि कम से कम बाइक को ढूंढ ले। हाँ, 3 बाइक चोरी हुई है, ऐसा तो है नहीं ये एरिया में, पता नहीं होगा उनको। तो इसी एरिया में 3 बाइक चोरी? हाँ, इसी एरिया में 3 बाइक चोरी हुई है कल। हाँ, चौकी वालों ने बताया ये। हाँ, तो इसी एरिया में बताया जा रहा है, जानकारी मिली है कि 3 बाइक चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये को हम आपको कोई पहला मामला नहीं दिखा रहे हैं। इस तरीके से पहले भी काफ़ी जो है स्प्लेंडर बाइक हम देखते हैं कितनी आसानी से कितनी चोरी हो जाती है। हालाँकि सर अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरी के बाद कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता? नहीं, लाइब्रेरी में तो मैम सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, 24 आवर होती है, वैसे लड़के रहते हैं यहाँ पढ़ने के लिए आए होते हैं,
लेकिन कल मैं अकेला ही बचा हुआ था, बाकी तो सब चले गए। तो वैसे नीचे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं होता? नीचे तो नहीं होता कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है। वैसे कैमरे वैमरे लगे हैं सब जगह वैसे तो। तो कैमरा हालांकि जरूर लगा हुआ यहाँ, ये आप देख सकते हो ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ, इसी की फुटेज जो है निकलवाई गई है। और यही नीचे जो है बाइक खड़ी होती है और काफी लोग अभी देख सकते हैं अभी भी पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन रात के वक्त सर यहाँ से लेट निकलते हैं, 9:30 बजे आते हैं और तकरीबन 12:40 पे कह रहे हैं मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बाइक यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। डिलक्स बाइक जो है बताई गई है और 11:30 बजे ये चोरी हो जाती है। हमने आपको सीसीटीवी में दिखाया किस तरीके से दो बाइक सवार आते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बाइक लगाता है सामने और दूसरा जो है वो बाइक लेकर चला जाता है और उसके बाद पहले भी चोरी की हुई बाइक होती है ये जानकारी दी गई है, पुलिस वालों की तरफ से जानकारी दी गई। उसके बाद यहाँ से वो डिलक्स बाइक चोरी की जाती है और आगे जाकर भी एक और बाइक चोरी का मामला, मतलब एक ही रात में एक ही रोड से हांसी रोड से 3 बाइक चोरी के मामले सामने आते हैं। तो हमारी करनाल प्रशासन से, सरकार से, पुलिस प्रशासन से अपील है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं चोरी के मामले, स्पेशली बाइक की अगर देखे जाते, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, कभी हम देख रहे हैं एसी की कॉपर वायर चोरी हो रही हैं, तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इन पर जो है ध्यान देना, पेट्रोलिंग मुझे लगता है जारी जरूर होनी चाहिए। हालांकि रात को डायल 112 को बुलाया जाता है, पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है, देखना ये होगा कब तक बाइक मिलती है, क्या कुछ मामला है, क्या पूरी गैंग है, कब से चोरियां कर रहे हैं। जब एक रात में 3 चोरियां हो रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने चोरी ये लगातार कर रहे होंगे। तो अपील, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, सीसीटीवी कैमरा जरूर इंस्टॉल करवाएं अगर करवा सकते हैं घरों के बाहर, क्योंकि लगातार मामले चोरी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं हांसी रोड से, मेरे यानी कीर्ति कथुरिया के साथ नमस्कार।